मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामाइन, हमारे एक भाई ने भी जो सवाल किया है कि क्या हम उजरत लेकर नमाज पढ़ाने वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा सवाल तो अक्सर जो है हमारे मोहल्ले के नौजवान बच्चे भी करते हैं, चाहे वो चंचागुड़े के हो या मुशीराबाद के हो या जो है काचुगुड़े के हो, खटकेसर, बाबा नगर, बिसरबंडा, हैदराबाद के अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं। और इस फकीर से जो है दूर दूर से, दूसरे स्टेट से भी लोग सवालात करते हैं, उसमें ये कॉमन है बात, ये सवाल कि क्या हम उजरत लेने वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं क्या। और दूसरे कंट्रीज से भी जैसा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएई, सऊदी, कनाडा, अमेरिका के भी पास से जो सवालात आते हैं, उसमें एक सवाल ये कैसा भी रहता है कि क्या हम जो है ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं जो उजरत लेके नमाज पढ़ाता है। जैसा कि बाज लोगों का तो ये कहना है कि हज के लिए जब हम जाते हैं तो हजारों लाखों की तादाद है, क्या हम उनके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर उनको ये देखना चाहिए कि वहां उजरत लेके नमाज पढ़ाने वाले मौजूद है, तो ऐसे मौके पर, ऐसे माहौल में हम मेहदवियों के लिए क्या है। और ये जो जवाब है सिर्फ मेहदवी भाइयों के लिए है, हम मेहदवी क्योंकि मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक कर चुके हैं कि सैयद मोहम्मद जीवनपुरी ही मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम है, वो आए और चले गए, इन्नल मेहदी अल माऊद कद जा व मज़ा, अब कोई दूसरे मेहदी आने वाले नहीं है। तो ऐसे में मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने जो हमारे लिए फरमाया, जो जो आपके अहकाम है वो हमारे सर आंखों पर है, वो हक बजानिब है और उस पर अमल करना हर मेहदवी का फर्ज है। तो मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कभी जिंदगी में भूल कर भी तुम किसी गैर मेहदवी के पीछे कोई मजबूरी से पढ़ चुके हो नमाज तो लौटा लो, फरमाते हैं, क्योंकि तुम्हारी नमाज नहीं होती। तो हम इसी चीज को कुरान और हदीस के मुताबिक देखेंगे, क्या मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का यह फरमाना ठीक है, क्या जो है हम मेहदवियों का ये जो अमल है मेहदी माऊद के फरमान के मुताबिक क्या हम किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये सही है। सहासिता की जो मशहूर किताबें हैं उसमें अबू दाऊद, ये सहासिता की किताब है जिसकी पहली जिल्द में किताब सलात में आपको ये बात मिल जाएगी। नमाज तो देखिए नाजरीन, मैं तमाम ये हाजरीन से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां भी नमाज पढ़ते हैं नमाज से पहले अजान दी जाती है, नमाज तो बहुत बड़ी बात है, जमात के लिए अजान दी जाती है, तो अजान देने वाले के लिए भी क्या हुक्म है, नमाज तो दूर की बात है। अबू दाऊद की पहली जिल्द के अंदर किताब सलात में आपको यह हदीस मिल जाएगी कि हजरत उस्मान बिन अबिलास रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कौम का इमाम बना दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है तुम कौम की इमामत करो, लेकिन सबसे ज़ईफ की रियायत करना और नीज मौज़न उसे रखना जो उजरत ना लेता। तो मोहतरम सामईन, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मौज़न को भी जो है ऐसे शख्स को रखो फरमा रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उजरत ना लेता हो, तनख्वाह ना लेता हो। अब सारी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जो है मौज़न को रखा जाता है वो तनख्वाह पे रखा जाता है। सिर्फ कौम महदविया की मस्जिदें वो मस्जिदें हैं जहां पर अजान देने वाला मौज़न जो होता है वो तनख्वाह आप नहीं है। और अल्लाह के फजल करम से 550 साल से अजाएं हमारी मस्जिदों में हो रही है। फिर अब इसके अलावा आप देखिए सही मुस्लिम की पहली जिल्द के अंदर किताब सलात में एक और एक हदीस क्या मिलती है हमको कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज में आपको देर हो गई, नमाज में आए जब तक देर हो गई, सहाबा ने इंतजार नहीं किया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने नमाज के इमाम बने और सहाबा ने नमाज शुरू कर दी, एक रकात हो गई उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब जब नमाज मुकम्मल हो गई तो सहाबा डर गए कि हमने ऐसा काम कर दिया, रसूलल्लाह को छोड़ के नमाज पढ़ ली, एक रकात छूट गई रसूलल्लाह की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने अच्छा किया, हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमामत खुलूस के साथ लिल्ला इमामत करे, खुलूस के साथ लिल्ला इमामत करे फरमाते हैं, और इमामत की कोई उजरत न ले फरमाते, इमामत की कोई तनख्वाह ना ले, इमामत का कोई मुआवजा ना ले, इसका ये मतलब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया। सही मुस्लिम ये भी साहसिता की हदीस है। मोहतरम सामाइन, सुन्नी जमात की मशहूर किताब दुर्र मुख्तार की पेज नंबर 428 पे
आपको यह बात मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स उजरत लेकर इमामत करता है उसके पीछे नमाज मकरूह है फरमाते। और देवबंदी तो इतना बड़ा मदरसा है, उसके बानी फाउंडर जो है मौलाना रशीद अहमद गंगोही, उन्होंने अपनी किताब फतावे रशीदिया के पेज नंबर 254 पर यह बात लिखी है कि जो हाफिज उजरत लेकर सुनाता है यानी तरावी पढ़ाता है उसकी ये उसका ये सुनाना इबादत नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मोहतरम सामाई, हमको बड़ा गौर करना चाहिए कि जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हदीसें और उलमा इकराम ने ऐसी बातें बयान फरमाई है कि उजरत लेने वाले के पीछे नमाज मकरूह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उजरत लेकर जो है अज़ा नहीं देना चाहिए, उजरत लेकर नमाज नहीं पढ़ाना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देखिए कि अबू दाऊद की तीसरी जिल्द के अंदर किताबुल इल्म में एक हदीस यूं आती है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म सीखता है अल्लाह की रजामंदी हासिल कर लेता है, लेकिन अगर वो दुनिया हासिल करने के लिए इल्म सीखा है तो उसको क़यामत के रोज जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलने वाली है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमको चाहिए कि हम मेहदी माऊद अलैहि सलाम के इस फरमान पर गौर करें और इन अहादीस पर गौर करें कि उजरत लेके नमाज पढ़ने वाले के पढ़ाने वाले के पीछे नमाज नहीं होती, हम चाहे कितनी भी बड़ी जमात क्यों ना हो हम उनके पीछे नमाज इसलिए भी नहीं पढ़ते क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, मेहदी माऊद ने मना फरमाया है, और मेहदी माऊद अलैहि सलाम इसलिए भी मना फरमाया क्योंकि आपका मजहब, आपने फरमाया मजहब मा किताबुल्लाह व इत्तबाए मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा मजहब अल्लाह की किताब है और इत्तबाए रसूलुल्लाह है, हम इत्तबाए रसूल में जो है ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते जो उजरत लेकर नमाज पढ़ाते हैं, हम ऐसे मौज़ों को नहीं रखते जो उजरत लेकर